यूरोपीय चैंपियनशिप के बाद जैसा कि आप अपेक्षा कर रहे होंगे आपने कभी सोचा कि आपका राष्ट्रीय टीम के साथ सफर समाप्त हो गया है या यह विचार कभी आपके मन में नहीं आया ये सब मीडिया की बातें हैं मेरे मन में यह विचार कभी नहीं आया बल्कि इसके विपरीत इसने मुझे और अधिक प्रेरणा दी आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी से कहूं तो हम सामान्य प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में पहुंच रहे हैं जैसे आप लोग कहते हैं प्रतिस्पर्धात्मक बिल्कुल सही सामान्य प्रतिपर्धात्मक ये कहते हैं एलबीचो एमएलबी में अच्छा मैं आपसे बीच के बारे में पूछना चाहता था बंद दरवाजे के पीछे मुझे मिस्टर बीस्ट को हराना है हाँ यही तुम कर रहे हैं हो। खुशी होगी अगर मैं कर पाऊं हूँ मुझे ऐसे काम करने में बहुत मजा आता है अभी मैं जो सबसे ज्यादा चाहता हूं वह है कुछ समय बाद जैसे दो साल में मिस्टर बीस्ट को हराना देखते हैं क्या होता है लोगों ने राष्ट्रीय टीम के आसपास बहुत अधिक उम्मीदें लगा दी हैं अपने विचारों में खो जाना मेरा मतलब है अगर तुम पेनल्टी शूट आउट जीतते हो तो तुम सेमीफाइनल या कहें सेमीफाइनल में हो और सभी खुश हो जाते और का सामना किया ये अच्छा भी हो सकता था और बुरा भी कोई नहीं जानता लगता है कि निराशा हुई है मेरी राय में ये निराशा नहीं थी। ये एक नए चयनकर्ता के, के साथ जिसे अपने समय की आवश्यकता होगी टीम को अपने तरीके से खेलने देना और उन्हें हटाना नहीं अच्छा रहा सच में यह अच्छा था हारना किसी को पसंद नहीं है लेकिन फिर से कहूंगा मेरे लिए ये असफलता नहीं थी बल्कि इसके विपरीत एक जीत थी। हमें इस पर गर्व होना चाहिए आखिरकार आठ गोल पूरे करने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं 900 आ, 901 या 902 के गोल की परवाह कर रहा हूँ इतने सारे गोल किए हैं कि अब इसका कोई मतलब नहीं है इस पल में मुझे प्रेरित करता है और ये पिछले कुछ वर्षों से है वो आनंद है जो मुझे अभी भी अभ्यास के लिए मैच के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए महसूस होता है जैसे कहते हैं मैच के लिए जाने की उत्तेजना मैं अभी भी इसे महसूस करता हूं और मेरे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है आप बेहद गोल बनाओगे कभी कभी गोल छुक जाओगे कुछ खेलों में गोल नहीं बनेगा कुछ चक्रों में गोल नहीं बनेगा लेकिन यह सब जीवन का हिस्सा है मेरे लिए ये कोई समस्या नहीं है जैसे आपने सही कहा अगर हम इन नंबरों को देखें आसान लगता है लेकिन आसान नहीं है हर चीज की कीमत होती है हर चीज के लिए मेहनत करनी होती है मेरा लक्ष्य अब एक हजार तक पहुंचने से पहले नौ सौ तक पहुंचना है उम्मीद है कि अब इन तीन खेलों में मैं नौ सौ का अंक पार कर लूंगा लेकिन जैसा कि मैंने कहा और मजाक में भी कहा हमें इसे गंभीरता से खेलने वाला मजाक समझना चाहिए